खबर मालाखेड़ा से नवसर्जित पंचायत समिति मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों को 4 महीने से नहीं मिला मानदेय, घर पर रोटी का संकट, वहीं आर्थिक स्थिति हुई खराब। इसको लेकर करीब 1 दर्जन से अधिक नरेगा योजना के ग्राम रोजगार सहायक, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक में विकास अधिकारी मालाखेड़ा कजोड़ मलमीणा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर के नाम ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि नवसर्जित पंचायत समिति मालाखेड़ा में करीब 1 दर्जन से अधिक संविदा कर्मियों को उमरेड से मालाखेड़ा कार्य करने के लिए भेजा है, जहां इनको फरवरी माह 2022 तक पंचायत समिति उमरेड से सभी को मानदेय प्रदान कर दिया गया। लेकिन यह मालाखेड़ा पंचायत समिति में कार्य कर रहे और इनका डाटा उम्र में नरेगा सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित नहीं हो रहे, जिसके चलते संविदा कर्मिकों को डाटा मालाखेड़ा में समायोजित नहीं होने के इनके समक्ष मानदेय नहीं मिलने पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल इनको पंचायत समिति उम्र से ही मानदेय दिया जाए तो इनका खर्च चल सकता है। विकास अधिकारी खजोल मलमीला ने बताया कि करीब 13 कार्मिक हैं, 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। इन सभी ने ज्ञापन दिया है, पूर्व में ही जिला परिषद को पत्र लिखा जा चुका है और फिर से वहां भेजा जा रहा है। इनको मालाखेड़ा पंचायत समिति में समायोजित कर दिया जाए तो इनका वेतन मानदेय है यहाँ से जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल जो भी व्यवस्था होगी कराई जाएगी। पंचायत समिति मालाखेड़ा, इसमें कई नरेगा के कार्मिक है, उनको भुगतान नहीं हो रहा है, तो करीब 4 महीने हो गए, आपको ज्ञापन भी दिया है, क्या कार्रवाई हो रही है? सर, उमरेन से पंचायत समिति मालाखेड़ा अलग बनी है, बाकी कर्मचारी तो समायोजन हो, लेकिन नरेगा कार्मिकों का अभी तक यहाँ समायोजन नहीं हुआ, जबकि पिछले बार चिट्ठी भी लिख रखी है और आज कार्मिकों द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, इसे हम CO साहब को लिखेंगे, जल्दी इनका समायोजन कराने के लिए निवेदन किया जाएगा। पंचायत समिति राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। देखिए इंडिया न्यूज 64 पर।